नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और देखो, फार्म पे बैठ के आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे और रूम में बैठ के भी बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे, है ना। तो आज सर और मैं कहीं जा रहे थे तो सोचा क्यों ना एक इंटरव्यू, हमारे पास टाइम कम था, सोचा कि कुछ नया और डिफरेंट किया जाए, है ना। बाकी एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि देखने वाले जो लोग हैं, हम गाड़ी पूरी सावधानी के साथ में चला रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या है, गलत चीज़ को पहले पकड़ते तो वो ना पकड़ें आप। तो सर, मैं चाहूँगा इस वीडियो में हम लोगों को अलवक्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वैसे तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान का आज ऐसा कोई घोड़े वाला नहीं है जो अलवक्स को जानता नहीं हो, या फिर ये घोड़ा किसी शो में जाता है तो इसको देखने के लिए वो आता नहीं हो। पर हमने लोगों को पुराने विजुअल भी दिखाए थे और जसरा के बाद के विजुअल हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा सर, अलवक्स के बारे में जो हमारे नए लोग हैं, उस कुछ चंद दिनों में जुड़े हैं, उस तो अलवक्स के बारे में कुछ बताएं हमारे को। प्रदीप जी, अलवक्स हमारे पास ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए मेरे पास। बिल्कुल। सो अलवक्स मेरे लिए बहुत लकी है, बहुत लकी रहा, लकी है भी। बिल्कुल। पहली बात तो इसने हमारा नाम बहुत अच्छा किया फील्ड में, शो में, जितने भी शो में जाता है तकरीबन जीत के ही आता है। सो पहली बात तो ये मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे ऐसा घोड़ा मिला। बिल्कुल। सेवा करने के लिए, ठीक है। जो घोड़ा ना, किसी किसी को अच्छे घोड़े की सेवा करने का मौका मिलता है। बिल्कुल। किसी किसी में कर्म हुए, मेरे कर्म अच्छे थे, मुझे ये अलबख्श बोला तो मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। तो सर, जैसे इसके बाप के बारे में बात करें तो कौन है बाप, और माँ के बारे में भी जरा डिटेल। इसका बाग है, बाप ही दरवाग है, वो अब रनिया खड़ा है। बिल्कुल। सनी के पास। और इसकी माँ थी पारो। पारो वो, हाँ जी, ग्रे घोड़ी थी। उसके दो ही बच्चे, एक उसके पास है खुदा बख्श अब महाराष्ट्र में, रणजीत खेर के पास, ये उसकी घोड़ी के दोनों दो बच्चे हुए हैं। और उम्र क्या हो गई होगी सर अली भी? इसकी 7 साल हो गई जी। 7 साल। हाँ। और हाइट में कितना है सर? 20 जून को 7 साल में हाइट में जी 64.5 ही है। तो सर, इसकी जो गर्दन का जो राज है वो क्या है, यानी कि मेरा लगता है दिलबाग के, जैसे मैंने भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं ना। हाँ जी। देखो, दिलबाग के बच्चों में क्वालिटी आती है, नो डाउट। आज हिंदुस्तान की मेन शान घोड़ा है दिलबाग जी। पर ये जो अलवक्स में जो ये गर्दन करके खड़ा रहता है, ये रुबाब यानी आया कहाँ से? इसकी माँ का रोल बहुत है जी। आप देखो, इसका भाई खुदा बख्श, उसकी भी गर्दन भी ऐसे खड़ी थी है। बिल्कुल। ठीक है, इसकी भी। तो माँ का रोल प्रदीप जी बहुत बड़ा रोल होता है। जो घोड़ा कोई भी स्टालिन बनता है, जिसकी माँ बहुत ज्यादा अच्छी होगी, वो ही स्टाल बन पाएगा। बिल्कुल। देखो, दरवाग की अच्छी प्रोजनी आई है, उसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। दरवाग की माँ अच्छी थी तो ये बच्चे आए, इसलिए माँ का रोल ज्यादा है। तो आप सर, माँ का जो रोल है बच्चों में कितना परसेंट मानते हो? 70% मानता हूँ, 30% घोड़े का मानता हूँ मैं। 30%? हाँ जी। तो जैसे सर, अलवक्स आपके पास में आया, उससे पहले मेरे को लगता है कि जितना नाम नहीं होगा उतना अलवक्स आने के बाद बना। देखो जी, उसने मेरा नाम किया, मैंने उसका नाम नहीं किया, क्योंकि हम तो मेहनत करते थे, मेहनत करते हैं, अभी भी मेहनत करते हैं। ठीक है, नाम तो ऊपर बड़ा बनाता है। अभी भी खर्रा बुरुस करते हो? हाँ, मैं तो अभी भी, देखो वो तो मैं डेली, अब पहली इंटरव्यू भी करता हूँ मैं, दो तीन जनवर में डेली खरखड़ा मारता हूँ, बर्श मारता हूँ। चलो, हमें बहाने से सेवा करने का मौका मिल जाता है सुबह सुबह, और तो नहीं कर सकते ज़्यादा कुछ। बिल्कुल। सो ये भी बहुत बड़े हमारे भाग अच्छे हैं जो हमें सेवा करने का मौका मिलता है सुबह सुबह। बाकी सर, जसरा के बाद में जैसे घोड़े के जैसे लग गई थी जसरा मेले में, सबों को पता है ना? जी जी जी। तो कैसा है घोड़ा अब? तो बिल्कुल ठीक हो गया, आपने वीडियो बनाई, आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक छोटा सा जख्म रह गया, आप वो भी एक महीने में जो उसके स्टिचेस दिख रहे हैं वो भी चले जाएंगे। नहीं गए तो मेरे लगता है कि आप सर्जरी वगैरह करा ही दोगे। नहीं, आपके लिए मैन घोड़ा है। नहीं, जो देखो हम देखेंगे, जो नहीं हुई प्लास्टिक सर्जरी करा देंगे, उसको करा देंगे। ठीक। तो सर, पड़ेगी जैसे जसरा में घोड़ा लगा था ना जी, तो जसरा के बाद में भी लोगों ने थोड़ी सी कंट्रोवर्सी कर दी थी, आपको पता होगा जी, है ना। हाँ, कि भाई घोड़े के लग गई है, इंजरीड घोड़ा तो भाई शो में लोग लगाते नहीं है, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, हम भी शो करवाते हैं, देखो अंपायर कब कराते हैं, जितने भी है जो हमारे राजस्थान वाले भी कराते हैं, जो भी शो करवाते हैं उसमें सबने ये एक कॉलम बना रखा है, जो घोड़ा ट्रेवल में उसकी इंजरी होती है, ठीक है जी, वो उसको लगा सकते हो, लेम नहीं होना चाहिए घोड़ा। यानी कि घर से आया हो ना,
तब नहीं लगी होनी चाहिए। हाँ, ये घर लगी हुई है फिर घोड़ा लेके आ रहे हो, दस रॉन्ग, फिर आप नहीं लगा सकते। ठीक है, ट्रेवल में तो कुछ भी हो सकता है यार, आप घर से निकल रहे हो, एक मिनट का क्या पता हमारे साथ क्या। कितने घोड़ों के लगती है शो में जब आते हैं? हाँ, हमारे शो में कितने लोगों में, जब हमें भी जजिंग करते हैं, जो फ्रेश इंजरी होती है हम उसका कोई कुछ नंबर नहीं काटते। हाँ, लेम नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, और सूजिश नहीं होनी चाहिए। इसके ना ये लेम था ना वह सूजिश थी वहाँ, और उसकी जितनी भी डॉक्टर की टीम थी, उसकी 6-7 बंदे थे उनके जो डॉक्टर की टीम ने, उसने इसको कहा भी ये फिट है शोर में लगने के लिए, तो हमने लगा जो डॉक्टर ने फिट किया। मैंने इसलिए पूछा ये सवाल क्योंकि बहुत सारे जो आपके चाहने वाले लोग हैं उन्होंने थोड़ी सी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करी, तो मैंने इसलिए मैंने ये सवाल कंट्रोवर्सी चलती रहेगी जी, तो चलती रहनी है, करते रहना लोगों ने। वो आपसे आगे नहीं कहते होंगे, डायरेक्ट बस पीछे पीछे बोलते हैं ना। हर बंदे की फितरत होती है प्रदीप जी, हर बंदे का स्वभाव होता है, उसने कहा क्या कहना है। बाकी सर अगर बात करें अलवक्स के बच्चों के बारे में जी, तो लोग कहते हैं कि आरपी गिल जी तो बाहर यार कवरिंग देते ही नहीं है, बहुत सारे कहते हैं कि यार अलवक्स यार रिंग में जीता है बाकी रिजल्ट कोई काम के नहीं है इसके, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे और आपने अपने घर पे क्या पैदा किया? पहली बात तो जो लोग कहते हैं इसके रिजल्ट काम के नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं, क्यों मेरे को फिक्र ये नहीं, ये मैं घोड़ा ये मैं सेवा के लिए लगे, मैं इसी सेवा करता हूँ, क्योंकि मैं वो मेरे पास वो नहीं मैं बाहर छोड़ूं, क्योंकि देखो हमने इसकी सीमन भी देखना, इसकी सेहत भी देखनी है, हमने सारा कुछ देख के चलते हैं, ये नहीं हमने घोड़ा लिया ऐसे कमाई शुरू कर, ये मशीन थोड़ा पैसे बनाने वाली, क्या मशीन ही तो ऐसा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये गलत मशीन नहीं, ये देवता है, हम इसकी सेवा करते हैं। देखो हमें ये सेवा करेंगे कुछ ही और पास खूब मिलता है, मानते सर इस बात को? हम 100% मानता हूँ, मैं कोई भी मैं नहीं मानता, कोई भी बंदा दिल से घोड़े की सेवा करो क्यों नहीं देता, देता, और ये घोड़े की सेवा ही नहीं करनी, उसको गाली दिखानी है, उस पर कभी जाता टांग मार दिया तो कुछ कर दिया, किसी कुछ कर दिया, फिर घोड़ा क्या देगा जब दोरसी से मिल गया आपको। सो जो बंदा दिल से सेवा करता है ये आपका हक अदा करता है। तो सर फॉर श्योर 100% आपके पास में कितने रिजल्ट आ चुके सर अलवक्स के? मेरे पास घर में अभी 10 खड़े हैं जी। 10 खड़े? हाँ। तो जैसे आप किन जो रिजल्ट हमने शूट करे हैं तो किन किन रिजल्टों के बारे में देखो जी, मैं चाहूंगा एक बार उन सारे रिजल्टों के बारे में बताएं। एक तो हमारे पास आलम है। आलम? हाँ जी। तो ये आलम की माँ है कौन है? वो है एडम की है जी। एडम की है? हाँ, वो भी मेरे, उसकी माँ भी मेरे घर की बच्ची है। अच्छा, माँ भी? हाँ जी। ओके। जो वो भी घर की है। तो एक फिर दूसरा दिखाया था आपको अमीगो, उसकी माँ आलिशान की है। ओके। हाँ जी, वो एक दिन का था उसकी जब माँ मर गई थी। फिर जी तीसरा आपको दिखाया जो बच्चा था अल्लाह यार ग्रे, वो अभी 2 साल का हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी, उसकी माँ भी एडम की है जी। अच्छा। हाँ जी। तो सर एडम की वजह से इन बच्चों में इतना एटीट्यूड आ रहा है क्या? देखो जी डिपेंड करता आप ब्रीड क्या करते हो, मैं वही बात फेर आ जाती है, जो घोड़ियों का बाप है वो कौन है, ठीक है, उसमें तो डिपेंड करते करते हो, फिर जो घोड़ा भी आता है। बिल्कुल ठीक है जी, तो ये तो बाकी सारा ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो देखो सारे गेस करते हैं, हर बंदा पैसे लगाता है देखो जी हर चीज अच्छी बनाने के लिए, एंड ऑफ द डे देना ऊपर वाले ने, मेन तो हमारी देने वाले का काम उसका, ये दिल से मेहनत करके वो देता है, ये दिल से मेहनत नहीं करके पैसे लगा दिए घोड़े को पूछना नहीं हाथ लगाना नहीं है कभी आप, तो फिर आप क्या कह रहे आपको क्या? तो जैसे सर अलवक्स के हम लोगों को विजुअल 8 बच्चों के विजुअल इस वीडियो में लोगों को दिखा रहे हैं ना। हाँ जी। एक एक करके लोग आगे आगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा देखते रहेंगे। अलवक्स के बच्चों में आपको क्या लगता है क्या आ रहा है, यानी कि एक मार्का होता है ना, हर घोड़ा एक मार्का छोड़ता है, तो अलवक्स क्या मार्का छोड़ रहा है और इसके बच्चों में क्या क्वालिटी क्या खासियत है? आपने देखा हुआ मार्का जी, सबसे बड़ी बात है नेक कैरेज। देखो हम जो कोई भी शो में स्टारिन लेके जाते हैं कौन जीतता है, आप भी शूट करते हो जिसकी नेक कैरेज है, बाकी देखो कॉन्फर्मेशन तो है, नेक कैरेज तो मेन थिंग मारवाड़ी घोड़ों में, नेक कैरेज और कान, ठीक है जी, फोर हेड हुई आईज हुई, ये तो चलो चलता है किसी के आगे पीछे ना, दो चीजें तो मेन मानते हो ना आप, बिल्कुल कान और नेक कैरेज, इसके बच्चे में वो अच्छे आ रहे हैं। तो एक फिर मैं तीसरा बच्चा दिखाया मैं, उसका नाम भूल गया विश, वो था कमैथ मत्थे पट्टा, बिल्कुल उसकी माँ भी ग्रे है,
ये भी गिरे आ, देखो वो कमैत आया। फिर आपको एक बच्चा और दिखाया, वो हमारी बिजली गोड़ी है, वो पथेड़ी वाली गोड़ी की है। अच्छा, पहले रोहितगढ़ खड़ी थी, रोहितगढ़ से हरिंदर है, फिर वो हमारे पास आ गई। ये बच्चा उसका है जो आपने वो देखा। फिर हमारे पास एक गोड़ी है, अभी उसने ठाण दिया एस ऑफ स्पेड से, वो 4.25 साल की होगी। ओके, ठीक है। उसके पीछे बच्चा आया ब्लैक मत्थे पट्टे वाला, तो वो एस ऑफ स्पेड है, वो भी इसकी है, जो उसकी माँ वो फौजी की थी, वो ग्रे गोड़ी जिसके पीछे वो ठाण आया। तो एक बच्चा फिर और आया मेरे पास, से बच्ची नहीं थी परमहंस की जो शो विनर थी, बिल्कुल उसके पीछे बाल बख्श का बच्चा आया, तीलिया कमैता दोपहर वाइट मत्थे पट्टा, पट्टा भी बहुत अच्छा आया। देखो प्रदीप जी, हाँ ये है भी घोड़ा बाहर मैंने काम छोड़ा, क्यों छोड़ा इस करके लोगों को इसके रिजल्ट का नहीं पता लगता, ठीक है जी। नहीं मेरी सोच और है, मैं सोचता वो लोग बच्चा ले लें, अभी बच्चे देने शुरू करेंगे, बच्चा ले लें। घोड़ा मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं कुछ और सोच का इंसान हूँ। नहीं सर, आपके जैसे आप चलो ये सोच रहे हो, बने मेरे होता है आपके अलावा और किसी के पास में घोड़ा होता तो वो मेरे को लगता है छोड़े बिना मानता नहीं, या फिर लोग आपको कभी कभार ऑफर करते हैं कि यार सर गिल साहब, नहीं नहीं ऑफर आती है, 2 लाख 3 लाख फीस ले लेना जो भी आप ले रहे हो यार, छोड़ दो यार एक। नहीं नहीं ऑफर आती है, फिर तो सबके लिए छोड़ेंगे, फिर यार थोड़ा भी एक के लिए छोड़ेंगे। तो मेरे को लगता है जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसके बाद में बहुत सारे लोगों के फोन आए कि प्रदीप भाई घोड़ा छोड़ते, मैंने कहा यार मैंने कहा वो तो सर से ही बात करो, वही बताएंगे, मैं तो क्या बता सकता। नहीं नहीं अभी तो हमारा वो है नहीं, देखो अभी तो हम सेवा भावना में इसको रखा हुआ है, हमने वो इसको वो नहीं बना रखा अभी, इसे हम कुछ कमाई करेंगे, ठीक है। बच्चे ले रहे हैं, बच्चे मेरे पास 20 घोड़ी है, अब 8-10 बच्चे मेरे पास आ गए हैं, 2-3 बच्चे अभी घोड़ी ठान देने वाली है, एक दो दिन में दे देगी, ठीक है। तो जिसने फिर बच्चा लेना है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, बच्चा दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो बच्चा सर कितनी उम्र से लेके और कितनी उम्र तक के खड़े है अपने पास? मेरे पास जी खड़ा आज कितनी तारीख होगी, आज हो गई 11, कल बच्चा सुबह 3 बजे आया, जो एक और नया आया है नया, हाँ जी। जो मेरा बड़ा बच्चा अप्रैल में वो 4 साल का हुआ है। ओके, 4 साल से लेके आज तक करके बच्चे मेरे पास खड़े हैं सारे, यानी कि हाँ जी। तो सर जैसे अलवक्स के अगर कोई बच्चा लेना चाहे तो बच्चे तो दोगे? हाँ हाँ बच्चे देंगे, फॉर श्योर देंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि चलो भाई आप इतने सारे बच्चे आएंगे, अब 8 बच्चे आपके पास आ चुके हैं ना, और भी आते रहेंगे, तो इतने सारे बच्चे भी आप रख के क्या करोगे? हाँ नहीं बच्चे, क्योंकि जिनकी तमन्ना है चलो भाई घोड़ी वो आप कवरिंग पे कम छोड़ते हो, डायरेक्ट बच्चा ले लेंगे तो ज्यादा बढ़िया। नहीं नहीं बच्चा देखो हमारे पास 9 महीने कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक आपने और बच्ची देखी होगी जो 7 महीने की थी, मत्थे पट्टा और वो थी सारी तेली मैथ। ओके, वो जो उसकी घोड़ी हमारे पास 64 की है, वो है सावे का घोड़ा खड़ा है वहाँ महाराष्ट्र के, उसकी बच्ची है, तो वो बच्ची बहुत अच्छी है तेली मैथ। तो मेरे को लगता है इसके जो रिजल्ट है वो खड़े होने में तो सब अलवक्स कहने के पापा की पूरी कॉपी हाँ, है, नेकर सारा अरकान इस पे सबके आके चुपचाप ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो सारा जो इसका खानदान इसकी प्रोजनी है वो अब बाप जैसी है। बाकी मेरे को लगता है कि आपके फार्म की लोकेशन का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है लोगों को अच्छा दिखने में। नहीं देखो हर साल भी अच्छा दिखता है, हर साल मैं 200 बूटा लगाता हूँ फार्म पे। मैं चाहता हूँ भाई जितने ज्यादा हम, मेरा चाहता हूँ जंगल लुक होनी चाहिए। कितने पेड़ लगे होंगे सर आपके फार्म में? यारों लगा हुआ बहुत ज्यादा, हर फ्रूट लगा हुआ, जब भी आओगे आपको फ्रूट मिलेगा। अच्छा। जब भी आओगे तो मेरे शौक आप यानी कि जो फ्रूट वाले बूटे का ढूंढ ढूंढ के लगाने, बूटे कहाँ से कहाँ काफी लेके आता हूँ बूटे। बाकी मेरे को लगता है आपके फार्म को भी आपने इतना मेंटेन रख रखा है, मेरे को लगता है कि किसी को एक पत्ता कहीं पे भी गिरा हुआ नहीं दिख सकता। जैसे घास के ऊपर हम ये बच्चे भी सूट कर रहे हैं और लोग देख भी पा रहे होंगे, मेरे को लगता है कि इतने बड़े एरिया को भी मैनेज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, पर ये बिल्कुल मेंटेन है। प्रदीप जी देखो भगवान ने ऊपर वाले ने हमें सेवा का मौका दिया, हमको सफाई का मौका दे रहे हैं, हम सफाई भी कर रहे हैं फार्म की, फार्म भी ऊपर वाले का। एक दिन हमने दुनिया छोड़ के चल जाना, पैसा सारा सारा यहीं रह जाना, पैसा साथ नहीं जाना। एक हद तक पैसा बंदे को लोड होती है, जरूरत होती है, उसके बाद तो जीरो लगती है, बैंक में पड़ा आप कौन के साथ लेके घूमते हो। नहीं तो सर जैसे कभी कभार देखो भगवान की दया से आपके पास सब कुछ है, ठीक है, अच्छा फार्म है, बेल सेटर्ड, कभी कभार ईगो रहता है क्या? क्योंकि मेरे को लगता है घोड़ा मार्केट में जिनके पास में पैसा है ना, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ चंद लोगों की, उनको ईगो बहुत ज़्यादा है। जैसे सू वगैरह में आते तो आदमी को आदमी नहीं समझते, बंदे को बंदा नहीं समझ रहे।
ईगो काहे की, पैसे की होगी। देखो ईगो तो आ करेंगे, ये हमने सदा ले इस धरती पे रहना है, हर बंदे ने इस धरती से जाना जाना ही है। ईगो क्यों, काहे की ईगो? जो बंदा पैसों की ईगो करता, मैं तो उसको सही इंसान नहीं समझता। मेरे को लगता है बहुत सारे लोग हैं जो घोड़ा मार्केट में, वो ईगो की वजह से ही उनके घोड़े नहीं बिक पा रहे आज। हो सकता है, हो सकता है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो ईगो नहीं करनी चाहिए, देखो इंसान को इंसान समझना चाहिए, और किसी के साथ, किसी के घोड़े के साथ वो जैसे जजिंग में होता है ना, वो अनफेयर अपना वो फैसला नहीं होना चाहिए, फेयर फैसला होना चाहिए जजेस में, ठीक है। जब नहीं होता, कई बार हमें भी गुस्सा आता, पहले गुस्सा आता था, अब तो वो भी छोड़ दिया। मैं छोड़ो यार, किस किस के साथ लड़ेंगे, किस किस कहेंगे, तो हमने क्या, चलो जो पहले जैसे एक दो सो में सर लड़ाई हो गई, उसके बाद में अफसोस होता है कि यार हम गलत लड़ लिए। हाँ बहुत, जब एक बार हुआ था मैसाना, तो वहाँ पे मैसाना, हाँ देखो हुआ, तो मैं अभी फील करता हूँ मेरी गलती है, यार मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ, ऐसी बात नहीं। वो मैं जब बुढ़ी देखता हूँ यार, मेरे को शर्म आती है, मैं यार ये मेरे को काम करना नहीं चाहिए था, हो गया, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बंदे दो चार थे, पंप भी बड़ा देते हैं ना साथ वाले। सबसे बड़ी बात है ना, लड़ाई कब होती है, जब बंदा साथ वाला पंप देता है। अच्छा, ऐसा पंप से शुरू होता है। पंप मुझे तीन चार बंदों ने दिया, जो मैं सामने वाले की टीम थी उनके मेन बंदे ने भी बोला आप हमारे साथ ये दिखा हुआ है, आप ये करो, बोलो या नहीं बोलो। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बोलना नहीं चाह रहे होंगे, पर पंप दे दे के बुलवा दिया। सबको पता, किसी जो उसकी टीम का कौन था मेंबर था, सभी को पता होगा। तो फिर कुछ हमारे टीम के मेंबर भी थे, ये सारा पंप की वजह से हुआ है, जो मेरा वो है नहीं था कोई भी, मैं जाके शो में जाऊँ। हाँ एक मेरे को जरूर आता है, जब कोई घोड़ा जो बर्थ करता जीतने का, उसको हराते हो, फिर मेरे को आता है यार ये अनफिर करते हैं ये, फिर मेरे को हल्का सा गुस्सा तो आता है, मैं यार नहीं ये डिसीजन सही नहीं दे रहे। जो घोड़ा जीत रहा है उसको वास्तव में जिताओ ना यार, जिताओ उसको, चाहो वो डिसीजन आपको सही देना चाहिए। फिर मेरे को माइंड को होता है यार ये यार सारे शो वाले क्या कर रहे हैं यार, जो जीतता उसको तो जिता दो यार। वो डिसीजन में कभी कभी तो गुस्सा आता है, पर मैं आप बोलना बंद कर दिया, मैं छोड़ो यार। तो अभी अभी भी कभी कभार सर, जैसे घोड़े के साथ में, जैसे शो में आप घोड़ा लेके जाते हो, हाँ जी, तो थोड़ी बहुत टेंशन बनी रहती होगी, तो लगता है कि यार घोड़ा हरा दिया तो फिर क्या करेंगे, क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, नहीं मेरे को टेंशन कोई नहीं रहती प्रदीप जी, पहले पहले टेंशन थी शुरू शुरू में, अब मैं क्या बोलूँ शो में बारे में बोलना नहीं चाहता, अब मेरी टेंशन नहीं होती ज्यादा, पहले टेंशन होती थी, क्योंकि मेरा लगता है कि थोड़ा सा टेंशन बनी रहती है, क्योंकि मेरे को एक चीज लगता है, इतनी बार घोड़ा जीता है, अगर मान के चलो कोई कुछ करके घोड़े को ऊपर नीचे करे, तो मेरे को लगता है कि एक वो ईगो पे अटैक हो जाता है डायरेक्ट। देखो जी प्रदीप जी, दुनिया जज है, जो बाहरी पब्लिक को जज है आज की डेट में, मैं पहले भी इंटरव्यू में कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, बिल्कुल वो सारी जज है, उनको पता होता है बाहर ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हर बंदे को पता। आज के बाद में जब आप सोचोगे मैं उसका हरा दिया, मैं इसका जिता दिया, कि लोग वे वो मैं ये ऊपर बना दिया, ऊपर वाला तो देख ही रहा है, नहीं नहीं ऊपर वाला देख रहा, दुनिया को देख रही है, अब दुनिया को पता चल गया कौन जीतने वाला कौन हारने वाला, लोग बातें करते हैं राइट में, सारी दुनिया एक दूसरे के फोन पर लग जाती है, यार यार वो जिता दिया, यार वो जीतने वाला था, हाँ खड़ा कर दिया यार, वो देखो कैसे कर रहे हैं यार, सब करते हैं भाई। यानी लोगों को, मेरे को लगता है कि वही बात घूम फिर के आ जाती है शो पे, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि आज शो सबसे मेन है हमारे घोड़ा मार्केट में। हाँ जी देखो, तो वो शो जितने भी शो होते हैं, जैसे आप बैकबोन हो, बिल्कुल मीडिया वाले शो भी बैकबोन है जी, आज हम लोग शो नहीं करवाएंगे, आपके घोड़े घर पे खड़े जाएंगे, कोई लेगा नहीं, सारे पब्लिक का जो जितने भी व्यूअर्स आपके, उनको भी समझना चाहिए, जितने भी है ना, जो हम एकदम लड़ाई करने जाते हैं, एक दूसरे को पटाई की शुरू हो जाते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये ऐसे चलता रहा सारे शो बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएगा। एक शो में अगर ये होता है ना, तो दो तीन शो की और बदनामी होती है। और ये लड़ाई झगड़ा शो में नहीं होना चाहिए, जिसका ठीक है, सबको पता है किसका जीत रहा है, ठीक है जी, ये जज हराते भी हैं, पर एक बात और है, कई जजेस होते हैं वो कहते हैं आप मेरे से बात ना करो, यार बंदे का जब घोड़ा हारता है उसका हक बनता है जज से बात करने का, भी मेरा घोड़ा कहाँ से दब रहा है। बहुत सारे तो रिजल्ट की सीट देते ही गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं। हाँ पर वो हमें सारे जो जितनी भी सोसाइटी, हमारा फर्ज बनता है यार, ये थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा ईगो छड़ के, जो हमारे साथ इतने घोड़े प्रेमी जुड़े हुए हैं, इनका साथ दें यार, इसको बताएं भाई नहीं तेरा घोड़ा यहाँ से दब रहा था, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये हमें बताना चाहिए। आजकल हम इस चीज से दौड़ रहे हैं, हम दौड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे में कोई ना कोई खामी है,
ठीक है ना, बिल्कुल दौड़ना नहीं चाहिए इस चीज से। और या तो अगर उसका घोड़ा सेकंड आया तो उसको पूरा बताओ कि भाई तेरा सेकंड आया क्यों है, हाँ उसको संतुष्ट करो। हाँ सो इस करके ठीक है, नहीं हमारी से भी गलती होती है, मैं ये नहीं कहता दूसरी सीटें हम नहीं करते, हमारे से भी होती है। कई बार उस टाइम किसी के पास टाइम नहीं होता शीट देने का, ठीक है जी, उस टाइम कई बार इतने बिजी हो जाते हो शीट देने का टाइम नहीं होता। पर हमें सभी को रल मिल के ये चीज पे ध्यान देना चाहिए जिसका घोड़ा कहाँ हरा कहाँ जीता हुए कहाँ से, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश बेस्ट करने। के, हाँ जी जी जी। चलो सर बहुत अच्छा लगा। बाकी मेरे को लगता है कि अलुबक्स के लगी थी उसके बाद में बहुत सारे लोगों को भी चिंता हो गई होगी जो अलुबक्स को चाहते हैं, तो मेरे को लगता है उनको भी एक विजुअल नए देखने के लिए मिल गए कि भाई घोड़ा बिल्कुल ठीक है। और देखो जी ऊपर वाले का घोड़ा तो सेवा कर रहे हैं, वो ऊपर वाला आप ही ठीक कर देगा, हमें क्या फिक्र तो ऊपर वाले को है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ जी ओके सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को लगता है फिर से लोगों को घोड़ा दिखाने के लिए, गर्मी की छुट्टी चल रही है और गर्मी मेरे को लगता है कि 48 डिग्री सेल्सियस पे, और ऐसे में घर बैठे लोगों को घोड़ा और उसके बच्चे दिख जाए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं। नहीं प्रदीप जी आप बहुत, आपकी देना बहुत मेहनत कर रहे हो, परमात्मा आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शे, आप ऐसे ही करते रहो घोड़ों की सेवा। बिल्कुल सर, परमात्मा भी आपको किसी चीज की गांठ नहीं रखेगा। ओके सर, ओके थैंक यू। थैंक यू।